यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉकडाउन के दौरान साफ हुई कानपुर की आबो हवा अनलॉक के बाद एक बार फिर से दूषित हो चली है। अगर बात कानपुर के AQI लेवल की जाए तो कानपुर का जो AQI लेवल है वो 291 पहुंच चुका है। सुबह का वक्त है और जो AQI लेवल है वो 251 हो गया है, यानी जो काफ़ी ख़तरनाक लेवल पर है। तो साफ है कि जिस तरह से अनलॉक के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ा है, और इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जिस तरह से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हुई जिसके चलते जो ख़राब सड़कें हैं उससे उड़ने वाली मिट्टी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही। तो वहीं जो कारखाने उद्योग धंधे की शुरुआत हुई उसके चलते भी वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि जो प्रदूषण विभाग है वो इसको लेकर सतर्क दिख रहा है। लगातार जो कानपुर प्रशासन है वो कूड़ा जलाने को लेकर भी लोगों को सचेत कर रहा है कि अगर कहीं भी कूड़ा जलता दिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली को लेकर भी प्रशासन सतर्क दिख रहा है। तो लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की जो आबो हवा है वो फिलहाल जो आज की एक अवेलेबल है वो 251 है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है यानी जब चहलकदमी बढ़ती है सड़कों पर तो उसके बाद ये एक अवेलेबल जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो साफ है कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान कानपुर की आबो हवा साफ हो गई थी, यहाँ पर लोग अदम नहीं घुटता था, लेकिन एक बार फिर से कानपुर समेत कई और शहरों की जो आबो हवा है वो फिर से दूषित हो गई है और लोगों को इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।